हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो आप अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। फ्रेंड्स, तो मैं फेस्टिव सीजन के हिसाब से और मैरिज होने वाली है जिन लोगों की, उन लोगों के हिसाब से मैं आजकल पैक बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो ये पैक बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे पैक, तो आप डिफरेंस आप लोग खुद देख पा रहे होंगे मेरे फेस पर। और मैंने अभी अप्लाई किया था इससे अपने वीडियो शूट करने से पहले, तो मैंने आपको देखने के लिए कि देखिए आप लोग कैसा लगता है मेरा फेस। और मेरे फेस पे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ आप लोगों को, मैं हमेशा ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियो के समय पर ही मेकअप में आती हूँ। और वैसे मेरा फेस इतना ग्लो करता है कि आप नहीं समझ पाएंगे कि जब आप देखोगे ना मुझे पास से, मतलब आप पर्सनली मुझे मुझसे मिलें और मुझे देखें, तब पता चलेगा आपको कि मेरा फेस कितना ग्लो करता है। एकदम शाइनी, ऐसा लगता है जैसे मैंने ऑयल लगा के रखा हो, इतना ग्लो करता है। और मैं, हाँ, कोई भी फेस पैक होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं अपने हैंड्स पर जरूर लगाती हूँ। ये देख सकते हो आप मेरे हैंड्स कितने क्लीन दिख रहे हैं। और मैं अपने हैंड्स पर अपने नेक एरिया को भी कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। नेक एरिया हो गया, लेग्स हो गई, मैं हमेशा इन सब चीज़ों पर जरूर लगाती हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए अब ये पैक मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, तो इतना अमेजिंग है ये पैक। तो इसमें ज़्यादा सी चीज़ें नहीं लेनी है आपको, सारी चीज़ें आपको किचन में ही मिल जाएंगी। आपको आप ज़्यादा पैक यूज़ करते हो तो आपको घर पर ही मिल जाएंगी। तो आप देख रहे होगे मेरी आवाज़ कुछ बैठी हुई सी ख़राब हो रही है, तो फ्रेंड्स मेरा एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे, तो मैं बाद में आपसे बताती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और एंड में जरूर समझिएगा, सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या आपसे बोलने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए कि मैंने इस पैक कैसे बनाया है और कैसे यूज़ किया है। फ्रेंड्स, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रखी है, आपकी स्किन पर दाने हो रखे हैं, उस पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आपकी स्किन लूज़ रह रही है, मतलब होने लग गई है, तो उसके लिए बहुत अच्छा यूज़ करें होगा। आप इसको 17 एज से आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बस टीनेजर्स भी हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इस पैक को। और सारे स्किन सूटेबल है ये। ऑयल स्किन के लिए मैंने बता रखा है और ड्राई स्किन के लिए बता रखा है कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो लाइक करिए तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन लोग को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए इस पैक का और उन लोग का भी फेस ग्लो करे। इस वजह से अगर आप लोगों के रिलेशन में किसी की मैरिज होने वाली है या फिर आपके किसी आपके पहचान में है कोई लोगों की मैरिज होने वाली है, तो उन लोगों को ये पैक बहुत ही अमेजिंग होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इसको मैंने कैसे यूज़ किया है। और हाँ फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप चेकअप कर सकते हो फ्रेंड्स, तो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है, इसमें फुलर्स अर्थ लिया है मैंने, ये है 1 स्पून। आपके अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो फ्रेंड्स। तो मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब हो रही है इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद मैं लूँगी जेल, ये है एलोवेरा जेल। और फ्रेंड्स, ये पैक इतना अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसको अभी से रेगुलर लगाएंगे ना अपनी मैरिज तक, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोई हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैंने इसको भी 1 स्पून ले रही हूँ मैं, तो इतना ही ले लूँगी मैं। और ये बहुत ही अच्छा जेल है, आपके पास जो भी जिस कंपनी का भी हो आप ले सकते हो। मेरे पास तो ये लेज का है, तो मैंने वो लिया है एलोवेरा जेल। और मैं लूँगी हनी। हनी में हर पैक में मोस्टली आपने देखा होगा, मैं हर पैक में हनी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि अब विंटर्स आ रहा है तो भी डालती हूँ। और वैसे भी मेरी कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है, तो मैं हमेशा ही इसका यूज़ ज़्यादा करती हूँ हनी का। तो हनी आपकी स्किन को एकदम मॉइस्चर
प्रोड्यूस रहता है, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ, इसलिए इग्नोर करिएगा। जो भी डालती जा रही हूँ वो देखिएगा आप लोग। और इसके बाद मैं डालूँगी एक टमाटो का जूस, और टमाटो से आपकी स्किन लाइटन होगी, ब्राइट करेगी, आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। इस वजह से मैं टमाटो जूस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये है रॉ मिल्क, तो मैं रॉ मिल्क के साथ इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है आपने, और फिर आप इसको फेस पर आप अप्लाई कर लीजिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है फ्रेंड्स। और अगर ये ज़्यादा थिक है तो आप इसमें मिल्क डाल सकते हो, नहीं तो अगेन आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। और इस पैक को बहुत ही अच्छे से आप यूज़ करिए, आप रोज़ भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये DIYs होते हैं, तो आप इसको इन चीज़ों को आप डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं, और आपकी स्किन इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लो तो आएगा ही। चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स। तो गाइज आप लोग जानते ही हैं कि आपकी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए कोई भी फेस पैक लगाते समय, तो मेरे भी एकदम क्लीन है फ्रेंड्स। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, बस लिप बाम लगाया है और कुछ नहीं लगाया है मैंने। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी आवाज़ क्या, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, ठंडा मुझे बहुत लगा है, कोल्ड हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है फ्रेंड्स। और ये इतना अच्छा पैक है ना, आप इसको अभी से डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज होने वाली है ना, तो अभी से इसको लगाइए, और आप ओवरऑल आपके हैंड पर, अपने फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। इतना अच्छा है ये पैक, आप इसको लगाएंगे ना तो आपकी स्किन एकदम हेल्दी हो जाएगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें जो मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर लीजिए। नहीं तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें सिर्फ हनी रहने दीजिएगा, और जो मैंने रॉ मिल्क डाला हुआ है वो मत डालिएगा। तो इसी बेसिस पे आप इसको लगाइए, और 20 मिनट्स के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। आपकी स्किन टाइट भी होगी, आपकी स्किन पर जाकर हल्के फुल्के रिंकल्स वगैरह, अगर आपकी स्किन पर हल्के फुल्के दाने वगैरह भी है ना, तो वो भी इससे कम हो जाएंगे, यानी कि वो दब जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे ये जब ये ड्राई हो जाएगा, तो मैं 20 मिनट्स के बाद मैं धोकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको रखना है, कैसा लगता है ये फेस आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और आप डिफरेंस खुद देख सकते हो कि मेरी स्किन कैसी लग रही है, हेल्दी दिख रही है या नहीं दिख रही है, कितना ग्लो आया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरा फेस एकदम सॉफ्ट हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब ये लगाते हैं ना पैक, तो बहुत ज़्यादा खिंचता है स्किन, बहुत ज़्यादा टाइटन अप होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा खिंच रहा था। तो मैं थोड़ा सा ड्राई ऐसे ही होने देती हूँ, उसके बाद मैं पूरी तरह से अच्छे से नहीं क्लीन करती हूँ, एकदम से सही हो जाएगा, अभी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी जो भी मैं यूज़ करती हूँ क्रीम। आप लोग जानते हो, सबसे पहले मैं टोनर लगाती हूँ, उसके बाद सब कुछ लगाती हूँ जो भी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़े देर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है इस पैक को आपको किस तरह से बनाना है और किस तरह से यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया है, और आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इसको यूज़ करना है। आप डेली बेसिस पर आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को आपको कमेंट ज़रूर मुझे किया करिए कि आप लोगों को ये पैक कैसा लगा, आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यूज़ करने के बाद भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आप लोगों को ये पैक कैसा लगा अभी भी आप मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहें तो। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं कुछ और वीडियोस शूट करने वाली थी, आप लोगों के लिए शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि मुझे अभी तक कोई भी पार्सल रिसीव नहीं हुआ है, मेरे जो क्लॉथिंग हॉल था वो ऐसे ही रह गया है। तो प्लीज़, तो फ्रेंड्स रह गया है मेरा जो वीडियो है वो बनाना रह गया है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्लॉथिंग हॉल नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई वो वीडियो, क्योंकि अभी तक मुझे पार्सल रिसीव नहीं हुए हैं, और अभी दिवाली आने ही वाली है, तो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है जो भी मैंने
न्यू जो भी मैंने परचेस कर किया हुआ था तो आप लोगों को वैसे भी नहीं मिलने वाले थे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने अमेजिंग अमेजिंग मैंने ड्रेसेस लिए थे कि आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन मुझे एक भी पार्सल रिसीव नहीं हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ वीडियो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और हाँ फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके मैं दिवाली वाला ज़रूर शूट करूँगी, अगर मैं जा पाई तो, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। एक्चुअली मेरी भी तबीयत ख़राब है और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, इस वजह से हो रहा है ये सब। तो एक्चुअली मैं वैसे डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं नहीं एडिटिंग वगैरह कर पा रही हूँ। तो आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोगों के साथ वीडियो जो शेयर नहीं कर पाई क्लॉथिंग हॉल, तो उसके लिए मुझे तहे दिल से मैं सॉरी कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से भी। और जब मैंने ये सारी चीज़ें बुक की थी ना, तो उस समय जल्दी आने वाला था, बट पता नहीं क्यों डिले हो गया, मैं भी नहीं जानती ये सब। तो फ्रेंड्स आप लोग समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस पैक के बारे में, अब चलिए अब ये बात कर लेते हैं पैक के बारे में। तो पैक आप लोगों को अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों की फैमिली मेंबर्स में किसी की भी मैरिज होने वाली है तो उन लोगों के साथ ये पैक ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें ज़रूर बताइएगा, आप ग्लो आप खुद भी देख पाएंगे। और जब मैंने फेस वॉश किया है उस टाइम भी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मेरे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आया है, तो आप लोग ज़रूर देख पाओगे। एक्चुअली मेकअप मैंने इसीलिए किया है, थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये पैक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, करना तो पड़ता ही है लाइक, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और जैसे ही आप करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।